दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज्यादा है कि भाई ऑब्वियसली इसका लेवल ज्यादा है तो देखो अभी के कितना तेज उड़ता है उड़ भाई उड़ ना नहीं उड़ेगा मुझे पता ही है आई थिंक मेरे पास वेट एक सेकेंड बताए भाई बताए मेरे पास बता आई थिंक वेट बहुत ज़्यादा हो गया हाँ ये मेरे को अभी वेट कुछ कम करना पड़ेगा फिर जाके मैं इसको राइड कर सकता हूँ तो सबसे पहले आज मैं वही चीज़ करने वाला हूँ इसके अंदर आप देख सकते हो कितना सारा स्टोन है मैंने ऑफ कैमरा काफ़ी ज़्यादा माइनिंग की है तो ये स्टोन मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा कैरेटिंग भी मिला है क्योंकि मैंने बहुत सारे एनिमल्स को मारा था ताकि मुझे मीट मिल जाए अभी मैंने इस मीट को स्प्लिट करके रखा है ताकि हम थोड़े से ना ये वाले यहाँ पे रॉ मीट क्या बोलते हैं उसको स्पॉइल मीट बना सकते हैं उसके बाद से हम नो और थोड़े से ट्रैंकुलर्स बनाएंगे और आज के एपिसोड के लिए मैंने सोचा है आ, कि आज हम वो वाला जो बड़ा डायनो उधर एक गैस एक बहुत बड़ा डायनो है आज मैं ना उस डायनो को टेम करने की सोच रहा हूँ लेकिन उसको टेम करने के लिए एक बार काम करते हैं इसके ऊपर राइड करके आपको मैं एक बार उसको दिखा देता हूँ और वैसे भी मैंने इस वाले पैरासोर का नाम आई I मीन mean उड़ने वाला डायनो का नाम लाला रखा था तो हैप्पी बर्थडे लाला आप यू you नो know, कॉमेंट्स में लिख दो अभी उड़ सकता है ना हाँ ये अभी उड़ सकता है और ये डायनो बहुत ज्यादा फास्ट है चल मेरे डायनो टिक 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 और मैंने यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा डायनो देखा था जिसका नाम मुझे पता नहीं है बट आज वो वाले डायनो को मैं टेम करने की सोच रहा हूँ भाई इस गेम में ना उड़ने का एक अलग ही फील आता है देखो कितना प्यारा ऊपर से हाँ ये वाले डायनो को गाइस आज मैं टेम करने वाला हूँ एंड ये आई थिंक मैं ना यहाँ पे से इसके ऊपर बैठ के मैं इसको टेम कर सकता हूँ उड़ मत उड़ मत इधर ही बैठना इधर ही बैठ इधर बैठ इधर बैठ इसके ऊपर हाँ बैठ 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 हाँ तो इसके ऊपर बैठ के अगर मैंने अरे उड़ का है रहा है गधे इसके ऊपर बैठ जा तू हाँ इसी वाले डायनो को गाइज आज हम टेम करने वाले हैं एंड मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बताया था मुझे एक ना ये बना लेनी चाहिए बाइनाकूलस बनानी चाहिए तो आज मैं ये वाली स्पाई ग्लास भी बनाने वाला हूँ लेकिन स्पाई ग्लास को बनाने के लिए कुछ क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं एंड क्रिस्टल्स हमको केव इसके अंदर मिलते हैं तो मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि जो मतलब जिस जगह पर मैं रहता हूँ एक्जैक्टली इधर से हमेशा सामने स्टेट चल के जाएंगे ना तो वहाँ पे एक केव है उसके पास आई थिंक हमको क्रिस्टल मिल जाएंगे सबसे पहले ना मैं जाके एक बार इस डायनो का लेवल चेक करता हूँ इसका लेवल कितना है अगर लेवल कम हुआ तो ही बढ़िया है तो एक काम कर मेरे उत्तर मेरे को पे छोड़ दे पता नहीं ये वाला डायनो मेरे से टेम होगा कि नहीं मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसका लेवल कितना है लेवल कम होना चाहिए यार ओ 25 है और क्या नाम इसका ब्रोंटो 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 तो इसको मैं बुलाऊंगा फिर और काफी बड़ा है तो गाइज आज हम इसी डायनो को टेम करने वाले तो भी जल्दी से काम करते हैं प्रिपरेशन के लिए चलते हैं वो डायनो लेवल 25 का है और अगर लेवल 25 का डायनो है तो उसको टेम करने के लिए मुझे काफी सारा यूनो ये चाहिए होगा क्या बोलते हैं उसको नारकोटिक्स वगैरह चाहिए होगा तो अभी जल्दी से अपने लाला को लेके चलते अपने घर पे और मैं कुछ ट्रैंक एयर और नारकोटिक्स ऐसे कुछ बनाने वाला हूँ एंड वैसे मुझे बहुत सारे एक सेकेंड ये क्या चीज़ है पानी के अंदर का ये क्या चीज़ है एक सेकेंड उसको टेप करने से पहले एक बार मैं चेक करना चाहूँगा यहाँ पे पानी के अंदर कुछ है ई टू एक्सेस इन्वेंटरी क्या इसके अंदर ये क्या है ओ भाई काफ़ी सारा सामान है एक सेकेंड वट भाई वो क्या था आई मीन इसके अंदर बहुत सारा सामान मिल रहा है मुझे एक सेकंड एक सेकंड ये तो एक्सेस इनमेंट्री सारा का सारा ट्रांसफर कर ले ओ बाय गॉड गाइस बहुत सारा सामान मिल गया बट अभी मैं आई थिंक मैं चल नहीं पाऊंगा मैं डूब जाऊंगा एक सेकंड थोड़ा थोड़ा सामान में काफ़ी सारी लकड़ी मिल गई है तो लकड़ी को ट्रांसफर कर दे उधर अभी मैं यहाँ पे लकड़ी उठा नहीं सकता अरे यार ज़्यादा अभी वहाँ पर ट्रांसफर भी नहीं हो रही है अभी और मैं चल भी नहीं पा रहा इसके अंदर से गाँव मुझे काफ़ी सारी लकड़ी मिली है एंड एक अलग आइटम मिला है ये क्या कीज़ें मेरे को बताने बट मेरे को काफ़ी ज़्यादा मिला है और एक मशरूम टाइप की कुछ चीज़ है प्लीज मुझे कमें से बताओ इनका क्या यूज होता है तो एक काम करते हैं मैं ये सारी की सारी चीज़ें अपने घर के अंदर स्टोर करके रख के आता हूँ एंड बाद में मैं उस लकड़ी को लेने के लिए आऊँगा और फिर उसके बाद हम वो जो अपना ब्रॉनको या जो भी है हम उसको टेम करने के लिए जाएंगे गुड मॉर्निंग गेमर्स वापस से हमारे गेम में एक और सुबह हो गई है एक्चुअली कल रात को क्या हुआ था कि वो जो लकड़ी थी वहाँ पे उसको ट्रांसफर करते करते भाई बहुत टाइम बीत गया तो so, मैंने सोचा कि ना एक रात का वेट किया जाए और जैसे सुबह हो जाएगी हम वो ब्रॉनको को या ब्रोनो जो ब्रो या ब्रोनो ब्रॉन्को जो भी है आज हम उसको टेम करने के लिए जाएंगे तो उसको टेम करने के लिए हमको बहुत चीज़ों की जरूरत होती है फॉर एग्जाम्पल हमको चाहिए नारकोटिक्स दुनिया भर का नार्कोटिक्स चाहिए और नारकोटिक्स के लिए मेरे पास अभी लगभग फोर्टी एट स्पॉइल मीट है मैं फोर्टेट स्पॉल मीट से कितना नारकोटिक बना सकता हूँ इससे तो एक ही एक भी नहीं बनेगा मुझे ओके okay, ना मुझे नार्को बेरीज कलेक्ट करनी पड़ेगी और आई थिंक मैंने बेरीज इधर रखी है जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने ऑफलाइन काफ़ी चीज़ें कलेक्ट करी थी और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पॉइल मीट है इधर को यहाँ पर कितना सारा हाइड वगैरह पड़ा है मेरे पास काफी सारी चीज़ें मतलब ऑफ कैमरा जब मैं खेल रहा था तब मैंने कलेक्ट करी हुई है मेरे पास यार बेरीज भी थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो ट्वेंटी सेवन में मैंने बना के रखा था तो ये ट्वेंटी सेवन से मिल जाएगा थोड़ा सा ओल्ड स्पॉइल मीट है ट्वेंटी हो गया और थोड़ी सी मुझे और बेरीज चाहिए बेरीज तो यहाँ पे नहीं है बट आई थिंक इतने एरोज़ में, में भी काम हो जाएगा और मुझे कुछ स्टोन्स की भी ज़रूरत है ताकि मैं स्टोन्स की मदद से ना एरोज़ बना सकूँ ओ थर्टी फाइव एरोज़ यहाँ पे भी है तो यार अपना काम ही हो जाएगा मतलब नार्कोटिक्स वाले एरोज इजिली बन जाएंगे ट्वेंटी सेवन एरोज को क्या मैंने यहाँ से क्राफ्ट कर लिया और अभी फिर हमारे पास लगभग सेवेंटी या एटी हो जाएंगे और उतने एयरोज में आई थिंक वो जो ब्रोनो है वो आई थिंक टेम हो जाएगा मुझे फिर ज़्यादा एरोज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर पड़ गई तो डोंट वरी हमारे पास स्पॉइल पॉइंटमिट काफी सारा पड़ा है थर्टी एट तो थर्टी और बन जाएंगे बट मुझे लगता है ना उतने में आई थिंक हमारा ना काम हो जाएगा अभी मैं स्लो क्यों चल रहा हूँ हाँ ये एरोज बन रहे थे तो एरोस बन गए और फिर गाइज मुझे लग रहा है वी आर फुल्ली प्रिपेयर हम वहाँ पे जाके उसको ईजिली टेम कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे जाने से पहले थोड़ा सा खाना वगैरह खा लेता हूँ मैं सो सोवे फाइनली हम लोग अभी फुल्ली प्रिपेयर है वो बड़े से डायनो को टेम करने के लिए और हमारे पास एक ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एंड वो एडवांटेज है उन बड़े पत्थरों का तो मैं उन बड़े पत्थरों के ऊपर भी जाके बैठने वाला हूँ हमारे लाला के साथ और फिर हम उसको वहाँ से उसके ऊपर अटैक करेंगे आई होप वो यहीं पे है प्लीज़ यहाँ से भाग मत जाना अगर ये यहाँ से भाग गया तो उसको टेम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं है सबसे बड़ा वाला पत्थर कौन सा है वेट ये वाला आई थिंक काफ़ी हाँ ये वाला ऊँचाई हा, ना हाँ यहाँ पर ना काफ़ी ऐसे बैठने वाली भी जगह भी है जहाँ पे हम अपने डायनो को ऐसा ये कर सकते हैं बैठ जा नीचे बैठ जा नीचे बैठ नीचे बैठना नीचे बैठने का क्या लेगा नीचे बैठ हाँ ओके अभी ये नीचे बैठ गया तो अभी हम यहाँ से इसके ऊपर इजीली अटैक कर सकते हैं और मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ना कमेंट करके ये ये बताया था मैं जब भी किसी डायनो के ऊपर अटैक करता हूँ ना मुझे अपने डायनो को ये कमेंट देनी है कि तू अटैक मत करूँ उनके ऊपर अरे एक उड़ कहा रहा है तू उड़ मत यार प्लीज़ एक सेकेंड मुझे इसके ऊपर वापस से राइड करने दो बैठ नीचे नीचे बैठ ओके अरे नीचे ये नीचे बैठ क्यों नहीं रहा ये पत्थरों की वजह से उसने बैठ अरे यार अब हाँ ये क्या अरे बैठ खाली बस ना ये, ये नीचे ही नहीं बैठ रहा है अभी अभी तो नीचे नीचे बैठ बैठ गया गया था खाम का उड़ रहा है है ओके ये नीचे गया, और अभी मुझे इसको एक पैसिव कमांड देनी है, आ, टी दबा के और यहाँ पे मुझे पैसिव विसल पैसिव करना है इससे क्या होगा कि वो यू नो बाकी के डायनोस के ऊपर अटैक नहीं करेगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसके ऊपर अटैक किया तो उसको मारेगा नहीं सो so, गाइज क्या आप लोग तैयार है इसके ऊपर अटैक करने के लिए आई एम सो एक्साइटेड जल्दी से अपनी क्रॉस वो बाहर निकालता है एंड लेट्स एम लगेगा उसको बट यार उसको लगेगा नहीं या लगा ओ लगा उसको लगा 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 नहीं 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 लगा है क्या नहीं ओ भाई मुझे आई थिंक आई थिंक उसको लगा है अबे तू उड़ मत यार तू उड़ इसकी ना इसी की तैसी आई थिंक उसको लगा है आ, 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 आ लगा है क्या उसको ट्राई क्या यार मुझे ना आई थिंक उस उस पत्थर के ऊपर आके हाँ यार एक काम करते हैं ना उधर चलते इधर से मैं उसको ठीक से मार नहीं पा रहा आ जाए इधर चल चल लाला और अभी जल्दी से इस पत्थर के ऊपर बैठते इधर ये बट बैठ पाएगा क्या ये तो एक तो गधा बैठ नहीं रहा है एक जगह पे बस प्लीज़ नीचे बैठ जाइ बैठ नीचे नीचे बैठ इसको तो पकड़ना बनता है उसको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा बॉडी के ऊपर मारे क्या हेलो आके ओके ओके अभी गुस्सा हो गया भाई साहब भाई साहब गुस्सा हो गए बस भाई साहब ये स्किन एक इधर तो नहीं आ सकती आई थिंक नहीं आ पाएगी प्लीज़ नहीं आनी चाहिए अगर ये इधर आ गया ना ये ऊपर चढ़ तो नहीं पाएगा ना हेलो किधर है कहाँ पर नीचे गिर जाएगा वैभव हाँ इधर स्किन मान इधर है इसके ऊपर अटैक करते हैं सर आप कुछ नहीं कर पाओगे यू नो आपके एक बार मैं ऊपर खड़ा हूँ तो तू तो कुछ नहीं कर पाएगा आज तो मेरा बनेगा चाहे कुछ भी हो जाए हर अंदेरा वॉट इज पॉजिज ऊपर आ रहा है क्या ओ भाई एक सेकंड के लिए ऊपर आ रहा है क्या 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 हो गया ओके अभी म्यू, म्यूजिक अभी शुरू हो गया ओके 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 आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा मेरे पास जा बाजा बस ये मेरा ना डायनो मेरे को खुद नीचे ना गिरा दे अगर इसने नीचे गिरा दिया ना भाई मैं तो गया ये क्या कर क्या रहा है ये भाई इधर आना प्लीज उधर मत जा नीचे मत गिरना बस हाँ भाई ठीक है हाँ सर इधर आ जाओ सर आ, अभी तो कहीं नहीं जा सकता गधे कहीं के प्लीज़ भागना मत ये भागेगा नहीं नहीं भागेगा नहीं भाई भागे 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 इतना बड़ा डायनो तो डेफिनेटली भागने तो नहीं वाला और और आई होप इतने ट्रैंक आरोज में काम हो जाए हाँ ये जगह का एकदम बेटर है उधर से तो डेफिनेटली कई गुना तो बेटर है इसके ऊपर मैं सीधा हेडशॉट मार सकता हूँ यहाँ से भाई बेस्ट जगह है ओके मेरा तो होने वाला है ओए 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 वैसे कितने ट्रैंक और आए खाएगा कोई आइडिया नहीं आई थिंक उसका स्पीड थोड़ा सा कम हो गया है कब अनकॉन्शियस होगा वैसे खाता क्या है मैं बेरीज ही खाता होगा क्योंकि कार्निवर्स डायनासोर आई थिंक है अभी भी उसकी सेफ्टी हिल रही है इसका मतलब वो जिंदा है थोड़ा सा ना उसके सर के ऊपर अटैक करते हैं बस नीचे नहीं गिरना भाई वो अगर मैं नीचे गिरा तो ये मेरा खेल खत्म कर देगा भाई दो हिट्स में ही मैं आई थिंक मर जाऊंगा इसके भागने की कोशिश मत करो सर आप कहीं भी नहीं जा सकते ओके ओके ओ ये ऊपर उड़ रहा है आई मीन ऊपर आने की कोशिश कर रहा है भाग ओ भाग है भाग है भाग है ओके यस लेट्स गो बाबू भैया भाई भाई भाई, भाई 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 बहुत सी बहुत सी बहुत सी अभी जल्दी से इसके ऊपर से उतरो भाई कितना बड़ा डायनो है लिटिल मैं इसके मुंह के अंदर फिट हो जाऊंगा अभी पता नहीं इसको टेम करने में कितने साल लगेंगे आ, कहाँ पे इसका इनवेंट्री किधर है अनकॉन्शियस है एक सेकंड मुझ ना घर जाके जल्दी से नारकोटिक्स लेके आने पड़ेंगे ओ अरे इजी अभी एट हो भी गया अरे भाई ये तो काफ़ी फास्ट हो रहा है बट आई थिंक थोड़ी सी ना और बेरीज में भी चाहिए होंगे एक बार देखते कितने बेरीज खा रही है नहीं काफ़ी सारी बेरीज है आई थिंक इतने में काम हो जाएगा मुझे लगा बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और बेरीज भी लगेगी वोटीन परसेंट हो गया अरे भाई ब्रॉन्टो हमारा बॉन्टो भाई ब्रॉन्टो ब्रॉन्टो बहुत बढ़िया भाई बहुत बड़ा डायनो है ब्रॉन्टो का सैडल कितनी लेवल पर अनलॉक होता है मुझे ना सर्च करना पड़ेगा मैं भी बहुत ज़्यादा लेवल होगा यार सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री लेवल पर इसका सैडल अनलॉक होगा अभी मेरा लेवल कितना फोर्टी टू चल रहा है ना आई थिंक फोर्टी टू ही चल रहा है आ, या 47 चल रहा है भाई 63 कोई नहीं अभी मुझे ना थोड़ा सा फिर और प्रोग्रेस करना पड़ेगा थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तब जाके या हो जाएगा बट एटलीस्ट हमारे पास एक यू नो वीडियो की शुरुआत में एक बड़ा डायनो तो आ गया फाइव मिनट्स लेटर इतना परसेंट हो गया यारो नाइनटी फोर गाइज लगभग ये टेम होने वाला है और इसको टेम करने के बाद इसके अंदर इलेवन लेवल इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पे प्लस इलेवन लिख के आ रहा है इसका मतलब ये लेवल 36 का हो जाएगा डायरेक्टली 99.6 परसेंट अरे भैंडी इतना बड़ा डायर भी है हमारा होने वाला है बट एक प्रॉब्लम है इसका सैडल लेवल 63 पे अनलॉक होता है तो वहां तक जब तक मैं नहीं जाता तब तक ना इसको इसको हम राइड नहीं कर सकते बट एटलीस्ट ये हमारा हो जाएगा लेट्स गो इसको मैं नॉर्मली ब्रॉन्टो ही बुलाऊंगा ब्रॉन्टो काफ़ी प्यारा नहीं है चेंज करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट हेलो मेरे ब्रॉन्टो टुक 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 इसको सिटी में जाके बुलाया क्या चलिए इधर इधर देख Uh, एक सेकेंड ये मेरे को फॉलो तो कर रहा है ना एक बार देखना पड़ेगा वो कर रहा है कर रहा है फॉलो कर रहा है आ जाए मेरे पीछे आ जाओ और तू भी आ, आ जाए मेरे पीछे ये भी मेरे को follow, एक सेकेंड इसको कमांड देना पड़ेगा बिहेवियर और एनेबल फॉलोइंग ओके कम ऑन गाइड्स मेरे को दोनों फॉलो करते करते आ जाओ मेरे पीछे इसको ना एकदम शॉर्टकट से लेके आने वाला हूँ मैं एक सेकंड इधर से नहीं इधर से नहीं शॉर्टकट इधर से आई थिंक शॉर्टकट इधर से हाँ एकदम ये साइड से साइड से आएगा ना चल के तो आई थिंक हमारे घर तक आ जाएगा देखो 36 का हो गया देखा यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के आता है तो इसको बड़े वाले डायनो को लेके चलते हैं फाइनली गेमर्स जो बड़ा डायनो था वो अपने घर पे आ चुका है एंड जस्ट लुक एट हीज साइज बहुत बड़ा है तो ना इसको मुझे बोलना पड़ेगा कि मेरे को फॉलो करना बंद कर दे इसको अभी मैं बोलूँ कहाँ से हाँ यहाँ से आई थिंक बोल सकते हैं इसका लेवलअप हो गया क्या आई थिंक हो जाएगा लेवलप अब एक्सेस कैसे करूँ मैं इसको एक्सेस ओके हाँ यहाँ से आई थिंक एक्सेस आ रहा है ओके ए टू ए टू एक्सेस ओके सैडल तो नहीं है इसका बट तू ना मेरे को फॉलो मत कर इसको बोलना पड़ेगा मुझे एक सेकेंड वापस से एक विप और बिहेवियर एंड अभी फॉलो तो नहीं कर रहा है अभी यहाँ पे एनेबल आ रहा है डिसेबल करना था मुझे हाँ अभी मुझे फॉलो नहीं कर रहा फाइनली बड़ा सा डाइनोगा अपने अभी फैमिली में शामिल हो चुका है ब्रोंटो नाम है जिसका और ये उठने वाला जो डायनो है लाला ये कुछ ज़्यादा ही लाला लाला कर रहा है तो आके ना नीचे बैठ जा अभी मैंने इसको बोल दिया है कि मेरे को फॉलो मत करना नीचे बैठ भाई तू ये लिटरली नीचे बैठता नहीं है हाँ अभी गाइज जाके ये नीचे बैठ गया अभी गाइज मेरे को एक स्पाई ग्लास बनाने के लिए दो क्रिस्टल्स चाहिए टेन फाइबर हाइट और वुड बाकी तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है बट क्रिस्टल्स नहीं है और मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था अभी हम जिस लोकेशन में है, है मैप के एग्जैक्टली इधर अगर मैं सीधा चल के जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे एक केव मिलेगी उस केव के अंदर में भी हमको स्पाई ग्लास मिल सकती है आई I मी mean, क्या बोलते हैं उसको क्रिस्टल मिल सकती है उससे हम स्पाई ग्लास बनाएंगे और स्पाई ग्लास का बहुत ज्यादा यूज आता है लेकिन स्पाई ग्लास को लाने से पहले एक बार ना मैं ये वाले डायनो को टेम करने वाला हूँ क्योंकि ये डायनो का काफी ज्यादा यूज होता है यह भी मैंने एक टूटोरियल में देखा था ये वाला डायनो क्या करता है जो हमारे अदर डायनोज है जिनको मैंने टेम करा है ये उनको लेवलअप करता है यही वाला डायनो आई थिंक करता है तो मैं इसको जल्दी से ना यहाँ पे बेहोश कर देता हूँ एम सो सॉरी ब्रो एक एरो खाना पड़ेगा तेरे को अरे भाका रहा है भागा रहा है ट्रैंक एरोज है रे भाई तो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएगा भैया बाबू भैया वो तीन 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 यार मार दिए चार मार दिए ओके हो गया फाइनली भाई फाइनल हो गया अनकॉन्शियस हो गया इसकी इन्वेंटरी एक्सेस करने का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है पता नहीं यार इसके लिए ना यार मुझे ठीक से ना वो टूटोरियल लिखना चाहिए था बट यार प्लीज़ कॉमेंट से बताओ इसको क्या खेलाओ मैं तब जाके टेम होएगा और वैसे भी इसके ऊपर कुछ लिखा भी आया था कुछ स्पेशल फ्लावर से ही होता है बट वो बाद में देखा जाएगा अभी सबसे पहले चलते हैं उस डायरेक्शन में जहाँ पे जाके हमको मिलेगा क्रिस्टल और क्रिस्टल को लाने के लिए एक सेकंड सबसे पहले खाना खा लेता हूँ मैं क्रिस्टल को लाने के लिए क्या चाहिए बस मेरे पास एक्स है आई I मीन mean, पिकैक्स है मेरी और वो आई थिंक यही, यही पिकैक्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो सकता है तो एक मशाल भी है एंड आई थिंक इतनी चीज़ों की जरूरत है सो गाइज लेट्स गो अभी हम सीधा वहाँ पे जाएंगे मैं किसी डायनो को अपने साथ लेके नहीं जाने वाला क्योंकि जंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है और ये मछली मेरे ऊपर आई थिंक अटैक करने वाली है बस मेरे को जाने दो मैं जा रहा हूँ इधर से अगर मैंने एक बार मगरमच्छ को टेम कर लिया ना तो मैं मुझे किसी भी मछली से डरना नहीं पड़ेगा देखा ये मछली ने मेरे ऊपर अटैक कर ही दिया था मुझे पता ही था एक सेकेंड ऐसे कैसे ऐसे कैसे और एक एरो में मरनी तो चाहिए कितने एरो लगेंगे अरे भागी जाने दो जंगल के अंदर गाइस बड़ा ही घना अंधेरा है और मुझे डर लग रहा है बट डरना नहीं है हमको हमको आगे बढ़ता रहना पड़ेगा और मैंने सुना जंगल के अंदर सांप वगैरह भी होते हैं मैं फर्स्ट टाइम अकेला घूमने के लिए जा रहा हूँ जंगल के अंदर बट जो चीज़ हमको चाहिए वो जंगल के अंदर ही मिलती है आई थिंक यहाँ पे ना बहुत सारे रैप्टर वगैरह भी घूमते हैं तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आई होप इधर ही से होगा मैं रैंडमली कहीं पे भी जा रहा हूँ भाई मैं मैं बाहर तो आ पाऊंगा ना बाद में पता नहीं अभी जाके तो देखते एक बार वो ये क्या चीज़ है बहालुई क्या वो ओ नो जंगल का बहुत डरा होना है भाई मुझे डर लग रहा है एक सेकेंड मैं बाहर जा रहा हूँ मैं ना दूसरे एंगल से जाऊँगा यहाँ पे बहुत डरा वाले जीव है और जो मैंने वीडियो देखा था वो इस जगह से तो नहीं जा रहा था आई थिंक थोड़ा सा सामने से वो गया था अंदर की तरफ भाई जंगल के अंदर ना बहुत डरावने डरावने जीव होते हैं आई थिंक ना मुझे थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ जाना पड़ेगा हाँ देखो वो हमारा घर आ गया अच्छा लग रहा है घर को देख के बट दूसरे एंगल से चलते हैं ये एंगल से ना वहाँ पे बहुत बड़े बड़े डरावने जीव है मैं भी बहालों वगैरह था वो एंड अगर मैंने उनको वैसे कुछ किया नहीं तो वह को ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं ये जगह मुझे बढ़िया लग रही है अंदर जाने के लिए ठीक है इधर से अंदर चलते हैं भाई कितने बड़े बड़े पेड़ है कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा मेरे को ठीक से कहा चीज है बहुत बड़े डायनोसर घूम रहे हैं क्या चीज थी वो यार इधर भी डायनोसर घूम रहे हैं मेरे ऊपर वैसे अटैक नहीं करेंगे ना मैंने कुछ वैसे किया नहीं है एक ये ना दूर से चलता हूँ मैं और यार दूर से जाने का रास्ता है नहीं है मुझे उनको आई थिंक मारना ही पड़ेगा वो डेफिनेटली ना मेरे ऊपर अटैक करने वाला है रैप्टर ही ना वो या क्या और चीज़ है पता नहीं रैप्टर तो नहीं है वो डेफिनेटली वो दो तीन घूम रहे इधर मेरे को बस गुफा के अंदर जाने दो मैं भाग रहा हूँ इधर से गुफा किधर है यार प्लीज बता दो गुफा ओ ये ये गुफा है क्या हेलो अच्छा यही गुफा है क्रिस्टल्स किधर है ओ भाई डर लग रहा है मुझे अरे भाई वो रहे क्रिस्टल्स वो सामने की तरफ वैसे गुफा के अंदर कुछ होता नहीं है ना डर हूँ ना भाई बहुत डर लग रहा है मुझे सीरियसली और ठंड भी लग रही आई थिंक मुझे जल्दी क्रिस्टल्स को ओ क्रिस्टल्स मिल गए भाई इतने सारे हैं आई थिंक यहाँ पे कोई डरना चाहिए एक सेकेंड जल्दी से अपनी एक्स निकालो और तोड़ के लेके चलो टूट भाई यस क्रिस्टल्स मिल रहे बहुत बढ़िया जितने मिल रहे ना मैं, ओए गुफा टूट के मेरे ऊपर तो नहीं गिरी ना जितने मिल रहे ना मैं, कहे सारे लेके जाना ओ थर्टी सिक्स ओके दुनिया भर के क्रिस्टल्स है इधर तो भाई मजा आ गया एडवांसमेंट हो गया भाई बट सीरियसली इधर आने में ना डर लग रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घना जंगल टाइप की चीज़ है ये आई थिंक क्रिस्टल्स नहीं है इधर के तो मैंने सारे तोड़ दिया अभी बस कितना या सारा ओके इधर थोड़ा सा बचा है जंप करके मैंने तोड़ना पड़ेगा यार टूट भाई ये जंप करके भी नहीं हो रहा है अभी हो रहा थोड़ा सा हाँ जंप करके जंप करके तोड़ना पड़ रहा है कुछ नहीं मैं सारा लेके जाने वाला हूँ मैं बाद में इस जगह पर नहीं आने वाला हूँ बहुत डर अपनी जगह सीरियसली ओके लगभग ये मैंने सारा क्रिस्टल्स आई थिंक कलेक्ट कर लिए अपने मशाल बाहर निकालो और थोड़ा सा और अंदर जाके देखते हैं इधर अभी अंदर भी और अंदर तो और भी है ओके वाओ व्हाट इज दिस मुझे डर लग रहा है यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला बट मैं एक बार ना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कुछ पॉइजनस तो नहीं है ना हेलो इसको माइंड कर सकता हूँ क्या मैं पता नहीं क्या आई है बस पॉइजनस नहीं होना चाहिए भाई ये चमक भाई क्या प्यारी चीज लग रही है ये इसको कलेक्ट कर सकता हूँ एक सेकंड टॉर्च निकल के आई थिंक चीज को कलेक्ट कर सकता हूँ कलेक्ट यार यार्टोन्स कलेक्ट हो पता नहीं ये क्या चीज है बट यार दिखने में सीरियसली बहुत प्यारी लग रही है अगर मशाल बंद की ना गाइज क्या प्यारी जगह लग रही है सीरियसली भाई मज़ा आ गया देख के वाह ऐसा लग रहा है ना मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गया थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं मुझे एक्सप्लोरिंग करना ना बाहरी पड़ सकता है आई थिंक ओके ओके ध्यान से ध्यान से आई थिंक हो गया वो कितनी अंदर तक जा रही है के वैल्यू और क्या क्या होगा यहाँ पे गाइज मेरा गलत कर रहा हूँ आई थिंक मैं गलत चीज़ कर रहा हूँ मैं मैं पता नहीं गाइज़ मैं कहाँ पे जा रहा हूँ बट बत... हेलो कहाँ पे जा रहा हूँ उस साबित तो नहीं होना यहाँ पे नहीं मुझे घूमने होना है नहीं 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 इतने अंदर नहीं जाते गाइस मैं वापस कभी आऊँगा घूमने के लिए अभी हमको सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए थी चाहिए थी क्रिस्टल वैसे मैंने कितना क्रिस्टल लिया है सेवेंटी uh, थ्री थोड़ा सा और क्रिस्टल लगाया इस मैं लेने की सोच रहा हूँ अगर यहाँ पे मैं आया हूँ बाद में मैं इधर आने नहीं वाला है थोड़ा सा और क्रिस्टल कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जल्दी से फूट लेते हैं ठीक है इतनी प्यारी चीज़ थी वहाँ पे वहाँ पे मशरूम्स बट पता नहीं उन मशरूम्स का क्या होता है मुझे कॉमेंट्स में जरूर पता ना भाई इसको किसने मारा यहाँ पे मतलब कोई तो आया था हेलो ओ oh नो no! ये दरवाजे के ऊपर मेरा वेट ही कर रहा है गाइज मारेगा नहीं ना मेरे को ये मुझे बहुत डर लग रहा है मैं कैसे जाऊँ पे अंदर हेलो सर सर मैं एकदम अच्छा बच्चा हूँ मेरे ऊपर अटैक मत करना ओके okay, वो जा रहा है अभी मुझे एक्जैक्टली exactly पता नहीं है मेरे ऊपर अटैक करेगा या नहीं साइड से निकल लेता हूँ मैं गाइज ओके से बाहर आते वक्त मेरा गेम लैक हो रहा है आई थिंक हो गया मैं बाहर आ गया गाइज मैं बाहर आ गया और आई आई थिंक बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा है यार मुझे ना वेट करना पड़ेगा एक काम करता हो गाइज मैं ना ये क्या ये क्या चीज़ है हेलो वाइल्ड मेल ये उड़ने वाला पक्षी है कोई मैं गाइज सोच रहा हूँ आज की रात ना ये गुफा के पास ही गुजारते हैं गाइज मुझे डर लग रहा है सीरियसली घर जाने में क्योंकि बहुत डरावना माहौल है भाई गुफा कहाँ पर गई जब तक सुबह नहीं होती ना मैं इधर से हिलने नहीं वाला

भाई मज़ा आ गया यार सीरियसली क्रिस्टल्स मिल गए और हम सक्सेसफुली अपने घर पे वापस आ गए तो एग्जैक्टली exactly यही वाला जो रोड है यही रोड हमारे यू नो जंगल के अंदर जाता है मुझे बस ये याद रखना है और एक सेकेंड वहाँ पे क्या मारामारी चल रही है क्या नहीं वो पॉटी कर रहा है आई थिंक नहीं मारामारी मत करो यार तुम लोग सारे दोस्त हो फ्रेंड्स हो और ये मछली आ गई मैं मुझे पता है अटैक करेगी तो थोड़ा रुख मेरे को बस अरे यार मार देगी क्या वाट? वह भाई घर के पास आके मार दिया इसकी ऐसी की तेसी गाइज 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 ये मछली गई सीरियसली अबे मैंने कुछ किया मैं तो बस पार कर रहा था पुल मैंने कुछ किया भी नहीं है भाई एक मछली ने मार दिया सीरियसली मुझे ना बहुत जल्दी एक आर्मर की ज़रूरत है वो भी मेटल का आर्मर काँ पे गया मेरा सामान मेरा सामान तो इधर ही होगा वैसे भाई इसकी तो काँपे गई गति गई की तो एक सेकेंड रुक मेरे को मेरा सामान वापस दे ट्रांसफर ऑल ओके अभी इसको एक बार मैं सफक जिकत है पे गई आ जा आ जा आज मरेगी तू मारी ऐसी की तैसी एक को तो मार दिया अभी तू भी आ जा तेरा भाई खेल खत्म होगा आज मर गई क्या यस अरे नहीं मरी यस मर गई गरी मतलब अभी तक ना मेरे को दो बार मारा यहां से पुल क्रॉस करते करते एनी इसका थोड़ा सा मीट मिल जाएगा ओके थोड़ा सा मीट मिल गया अपने आर वापस मिल गए बहुत बढ़िया बदला मैंने ले लिया और अभी जल्दी से अपने घर पे चलते हैं और अपनी स्पाई ग्लास बनाते हैं और मेरे को स्पाई ग्लास का फिर यूज़ भी देखना है अभी इसको आई थिंक थोड़ी सी लकड़ी वगैरह चाहिए लकड़ी मेरे पास आई थिंक पड़ी है घर के अंदर दुनिया भर की लकड़ी पड़ी है इधर आई थिंक लकड़ी मैंने रखी थी अरे नहीं इधर नहीं इसके अंदर है लकड़ी लकड़ी उठाओ यहाँ से और क्या चाहिए था स्पाई ग्लास के लिए यस फाइनली गाइज अभी हमारी स्पाई ग्लास बन चुकी है आई एम सो एक्साइटेड टू यूज़ द स्पाई ग्लास जल्दी से इसका यूज़ करते हैं आठ दबा के स्पाई ग्लास बाहर आएगा एंड अभी हम अलग अलग डायनोज का अभी कितना जूम है इसका ओके वो उड़ने वाला डायनो कितना उसका लेवल वो थर्टी सिक्स है क्या अरे यार रुकना इसकी सेफ्टी देखो कितनी ज़्यादा दूर ऐसे है वो उड़ने वाला डायनो का इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को हेलो अभी नहीं आ रहा वो आ रहा है वो लेवल थ्री का है सबसे पहले काम करता हूँ मैं अपने जो क्रिस्टल्स है इंपॉर्टेंट चीज़ों मिली है ये क्रिस्टल्स को सबसे पहले मैं संभाल के यहाँ पे रख देता हूँ इनका बाद में यूज़ आने वाला है और ये जो मुझे कुछ मशरूम्स मिले थे इन मशरूम्स को भी यहाँ पे मैं रख देता हूँ ये मशरूम्स का भी डेफिनेटली बाद में कोई ना कोई यूज़ तो होगा तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर साइड में रख दी और अभी स्पाई ग्लास का यूज़ करने के लिए आई थी मुझे इसके ऊपर बैठ के थोड़ा सा ना आसपास देखना पड़ेगा मतलब राइड करना पड़ेगा और मेरी टॉर्च अरे यार मेरी टॉर्च टूट गई एनी वेज तो चल अभी इसके ऊपर ना बैठ के अभी हम स्पाई क्लास का यूज़ करेंगे वहां पर मुझे समंदर किनारे दो डायनोज दिखाई दे रहे हैं हम उनको चेक करते हैं ठीक है उनका लेवल कितना है ओके okay, इसका लेवल आई थिंक टू है अबे यार इसके पंख आ रहे बीच में थोड़ा सा साइड में जा वेट वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा उड़ने वाला डायनो है बट आई थिंक मैंने इसी को टेम करा है ना हाँ आई थिंक ये भी उसी बिरादरी का है डेफिनेटली और आई थिंक जब मैं स्पॉन हुआ था ना मैं इधर ही इधर स्पॉन हुआ था मतलब मैं इधर स्पॉन होकर इस तरफ आया था तो जो मैं नेक्स्ट एपिसोड में मुझे गाइस कौन से डायनो को टेम करना चाहिए मुझे कॉमेंट्स में बताओ और मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बताया था मुझे ना एक अलग जगह पर घर बनाना चाहिए क्योंकि जहाँ पे मैं अभी हूँ ना वो जगह एकदम छोटी सी है और वहाँ पर ना मैं अपने पूरे यू नो अपने डायनो फैमिली को वहाँ पर मैं रख नहीं पाऊँगा तो ये भी जगह मुझे बेटर लग रही है घर बनाने के लिए बट अभी कुछ कुछ दिनों के लिए हम वहीं पे रहेंगे एंड ये वाला जो ऊपर वाइज वो चीज हवा में है वो एक्जैक्टली क्या होती है मुझे ना उसको एक बार जाके चेकआउट करना है तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही था आई होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो बाई ब